वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों अज मैं तुहाडे सारयां नाल एक बड़ी ज्यादा जरूरी जो जानकारी है साझी करन लग्या हां। जिवें कि तुसीं सब जानदे ही हो कि मैं वारिस पंजाब दे जथेबंदी दा लीगल एडवाइजर होण दे नाते एक जो भाई अमृतपाल सिंह दे रिगार्डिंग एक जो हेबियस कॉर्पस दी जो रिट पटीशन है वह मानयोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट विच मैं दर्ज की कराई सी। उसकी जो उस दिन सुनवाई हुई सी उस तो बाद जो पंजाब सरकार नू रिप्लाई देन दे लई जो मानयोग हाई कोर्ट वालों ऑर्डर हो गया सी आज जो पंजाब सरकार का रिप्लाई भी आ चुका है तो उस रिप्लाई के उपर मैं विचार चर्चा करनी चाहवांगा। जो अज इस दी सुनवाई का समा सी वह तकरीबन 12 बजे दुपहरे इस रिट पटीशन की सुनवाई हुई सी ते जो रिप्लाई दे विच जो सरकार वालों पंजाब दे एडवोकेट जनरल साहब ने वह पेश हुए सी ते उन्होंने जो रिप्लाई सबमिट किया उस रिप्लाई दे अकॉर्डिंग जो भाई अमृतपाल सिंह ने ते भाई अमृतपाल सिंह दे साथियों दे खिलाफ तकरीबन जो 6 FIR दर्ज हो चुकी ने वह सारिया FIR IPC दे अधीन ने अते किसी भी FIR विच कोई UAPA वर्गा कानून नहीं जो लाया गया है। तो जिनी क मैनू जानकारी है जिन्ना मैं NIA एक्ट पढ़िया तो मेरी जानकारी दे अनुसार जो NIA एक्ट है उस दे विच जो NIA एजेंसी है उदो ही ओ काम विच आउंदी है उदो ही कोई तफ्तीश ओ आपदे अधीन लैंदी है। जदों कि कोई UAPA दा कोई ऑफेंस भी FIR दे विच शामिल हुंदा है ते भाई अमृतपाल सिंह दे केस दे विच अजिहा कोई भी ऑफेंस है जो किसी FIR विच दर्ज नहीं किया गया तो मेरी समझ के मुताबिक जो NIA दा इस दे विच किते भी कोई रोल नहीं है। तो जो सोशल मीडिया उपर या जो नैशनल मीडिया उपर जो चर्चा हो रही है मेरे हिसाब नाल वह सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जो कि एक डर दा माहौल पैदा करन दा एक प्रोपेगेंडा है। तो दूसरी गल ए है भी जो उस रिप्लाई दे विच ए भी मैंशन किया गया सी भी जो अमृतसर का जो SSP है उसने 17 मार्च नूं ही भाई अमृतपाल सिंह दे अगेंस्ट NSA एक्ट नैशनल सिक्योरिटी एक्ट जो लागू करन दी जो रेकमेंडेशन सी ओह जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है अमृतसर उसनों दे दित्ती सी ते उस तो बाद 18 मार्च नूं NSA है जो भाई अमृतपाल सिंह दे अगेंस्ट ओह DM अमृतसर ने जो लागू कर दिता सी ते उत्थे मानयोग अदालत दे विच जो एडवोकेट जनरल साहब ने उन्होंने गल आखी भी भाई अमृतपाल सिंह दे साथियों नूं काबू करन दे लई कोई भी किसे तरीके का कोई हथियार नहीं वरत्या गया कोई फायरिंग नहीं की गई ते भाई अमृतपाल सिंह तो अलावा जिन्हें भी उन्होंने साथी ने सारे ही ज्यादा गिरफ्त विच आ चुके ते इस दे उपर जो मानयोग अदालत ने जो टिप्पणी की थी भी जो भी स्टोरी सरकार ने जो कोर्ट दे अगे रखी है उस दे उपर जो मानयोग अदालत नूं शंका है डाउट है सस्पिशन है ते ओ जो स्टोरी है जो पंजाब सरकार दी ओ जो यकीन करन योग जो नहीं लग ते उस दे बाद जो मानयोग अदालत ने यह भी आख्या भी जदों तुसी जो पहले ही जो कानून दियां प्रक्रिया शुरू कर दित्तियां सी तुहाडे कोले इन्नियां ज्यादा इंटेलीजेंस रिपोर्ट सी किन्ने ज्यादा सौहां दे विच पुलिस मुलाजम जो इस केस की तफ्तीश करन विच लगे हुए सी ते पंजाब पुलिस कोल मौजूदा भी 80,000 दे जो तकरीबन पुलिस मुलाजम ने फिर भी जो उथों भाई अमृतपाल सिंह उथों जो उथों एस्केप कर गए यह मानयोग अदालत ने आख्या यह गल च बिलीव नहीं किया जा सकता यह गल पॉसिबल है नहीं गी ते नाले जदों जो मेन बंदा जो मेन